नेक्स्ट है हनी बी। द रेयरिंग ऑफ हनी बी ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपिकल्चर। हनी बी इसको पालना एक बड़े स्केल पर उसे एपिकल्चर बोलते हैं। हनी बी प्रोड्यूस हनी, ये हनी बनाती है। हनी इज रिच इन शुगर, हनी रिच इन शुगर होता है, मिनरल्स, एंजाइम्स। हनी इज प्रोड्यूस बाय द हनी बी फ्रॉम द नेक्टर ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर के नेक्टर से हनी बनाती हैं और कैप्टेना बीहाइव, और उसे बीहाइव में रखती हैं अपने छत्ते में। ऑल एक्टिविटीज सच एज लेइंग ऑफ एग, अंडे देना, रेयरिंग ऑफ फ्लावर्स एंड टेक प्लेस इन द कॉम्ब्स। हनी इज सच एज अ वैल्यूबल प्रोडक्ट, हनी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल प्रोडक्ट है, डेट इज़ यूज फॉर द आयुर्वेदिक मेडिसिन, और इसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी बहुत यूज किया जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ हनी बी लास्ट 16 डेज हो 4 स्टेजेस। हनी बी की जो लाइफ साइकिल होती है वो 16 डेज की होती है, जिसे 4 स्टेजेस में बोला गया है। हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बीहाइव इन द बीज लिव्स। हनी लिया जाता है बीहाइव से, छत्ते से जहाँ पर बीज रहती हैं। बीहाइव आर स्मार्ट कॉम्पोनेंट्स कॉल्ड कॉम्ब्स वेयर दे स्टोर द हनी। हनी इज एक्सेसेड बाय द एक्सपीरियंस ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज द हनी एक्सट्रैक्टर्स। हनी को केवल हनी एक्सपीरियंस पीपल ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट ऑफ द प्रोटीन्स एज अ बिल्डिंग फूड्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड डेट कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। However, though required for the growth and the development of living organism, cannot be utilized but directly despite of 78% from the air by the volume. नाइट्रोजन जो है 78% एयर में प्रेजेंट है, जो कि बहुत वैल्यूबल होता है, एक तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए एंड द डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ फर्स्ट